गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक है। आज का व्लॉग मेरा कैंटीन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम सुबह सुबह 7 बजे निकल गए थे घर से बच्चों को छोड़ के, और अभी हमने चाय तक भी नहीं पी है। मैंने नहीं पी है, सबकी पैक करके लेके आई थी, क्योंकि पापा का खाली पेट का था। इनने सब ने पी लिया, मैं बाकी रह रही हूँ। और ECH में आ गए पापा का टेस्ट कराने के बाद। मम्मी का रेफर लिया है, मम्मी को उसी हॉस्पिटल में दिखाएंगे और पापा को भी फिर से टेस्ट होगा। और पापा का भी टाइम था 2 घंटे का, एक टेस्ट करने के बाद खाली पेट, फिर बाद में नाश्ता करने के बाद दूसरा टेस्ट होगा। इसलिए हमने कैंटीन से लिया सामान, और बहुत ज़्यादा सामान ले लिया है, गाड़ी में रख भी दिया है। मैं इधर छाया में आ गई हूँ, क्योंकि पापा खड़े हैं गाड़ी के पास, तो इसलिए दिख रहे होंगे ना आपको भी, खड़े हैं पापा। और फौजी अभी और गए हैं कैंटीन, दूसरी कैंटीन में, समझ ही गए होंगे। हमारा सामान तो उनका भी सामान बाकी है, तो मिलते हैं घर जाके, क्योंकि दूसरा हॉस्पिटल में और जाना है। अभी पता लगेगा पापा का, नहीं मम्मी का क्या रिजल्ट आएगा। डॉक्टर से मिलेंगे, फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे थोड़ी देर। हेलो मम्मी से, मम्मी रुखाड़ी रख रही है कैंटीन सामान की, रुखाड़ी खड़ी, गाड़ी खुली है, देखो इतना सामान लिया है, शायद आया होगा 4,500 का सब कुछ है। मौज कर दी, और ये बोल रहा है कितना दिन चला लेगा। कितना दिन चलाने से मतलब नहीं है, सामान चलेगा उतना दिन चलेगा, नहीं फिर बता देंगे। हम हॉस्पिटल से आ गए थे, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आते आते 12:30 हो गया था। जैसे ही मैं थोड़ा सा मतलब फ़ोन वगैरह चार्ज लगा के काम पर लगी, वैसे ही बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। और मैंने कहा सबसे पहले लंच बनाया, क्योंकि हमने नाश्ता किसी ने नहीं किया था। चाय और कैंटीन गए थे तो बिस्किट आ गए थे, इसलिए मैंने चाय बिस्किट खाए थे। और पापा का मैं बना के लेके गई थी, उसका मतलब टेस्ट था, तो इसलिए पापा को पोहा वगैरह बना के लेके गई थी। और मम्मी ने कुछ नहीं खाया, मम्मी ने बिस्किट खाया है और फौजी ने बिस्किट खाया है। और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। रात भी मैंने बनाया लंच में मैंने बनाया घिया का रायता और पापा के लिए की सब्जी और फटाफट रोटी। और करते करते काम फिर में रह गया था, झाड़ू पोछा सारा काम निपटाने में मैं निपटी थी। 3 बजे मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट करके, और फिर मैं सो गई थी 1 घंटा के लिए। सब सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, छोटे से बड़े सब 1 घंटा के लिए सब सो गए थे। और उठी तो ताई आ गई थी हमारे गांव से। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई जब भी, क्योंकि मेरा फ़ोन बच्चों के पास, बच्चों ने ले लिया था होमवर्क करने के लिए। तो मम्मी की मतलब बड़ी जिठानी, वो आई थी पापा से मिलने के लिए। मिलने के बाद फिर वो चली गई थी, आधे घंटा मुश्किल से रुकी थी बस, आधा पौन घंटा, क्योंकि वो भी फिर किसी की गाड़ी लेके आए थे, तो वो वापस करनी थी, फ़ोन आ रहा था बार बार में इसलिए। और अब मैं बना रही हूँ लंच बना चुकी मैं। ऐसी बोलती हूँ कभी कभी, दिमाग ख़राब हो जाता है। और बच्चे कर रहे हैं मेरी पढ़ाई, और मैं बनाऊँगी डिनर। और पापा मम्मी और फौजी देख रहे हैं TV, करते हैं काम, फिर मिलेंगे। और डिनर में पता ही है मैं डेली दाल ही बनाती हूँ पापा के लिए, तो सेहत के लिए अच्छी है, तो मैं डेली दाल ही बनाऊँगी, सब्जी सुबह के टाइम में बनाती हूँ, करते हैं काम। सबका डिनर हो गया है, और जूस वगैरह हो गया, पापा का दूध हो गया है, और पापा मम्मी कर रहे हैं सोने की तैयारी, और बच्चे भी कर रहे हैं सोने की तैयारी। गेट बंद हो चुका है, वो दिखा रहा है खाना, क्योंकि वो थोड़ा नींद हो गए, मम्मी की खाट टूटी थी, उसको नई पट्टी से भरा है, समझ गए ना, पट्टी पानी खाट है, वो पट्टी और लगाई नहीं कर दी, वो खाट टूटी, खाट मतलब चार पाई बिल्कुल नहीं कर दी है। और मेरा काम बिल्कुल कम्प्लीट हो गया, बर्तन वगैरह सब धो गए, ये मेरे कपड़े कल धोए थे मैंने, और सही नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं लगा। कल भी हॉस्पिटल जाऊँगी, कल भी वही 12:30 बजे का, कोशिश करूँगी मैं ना जाऊँ, कोचिंग जाएगा जरूर, पापा को लेके डॉक्टर से मिलेगा, रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं सोचू कि पापा कोचिंग करवा दे, कोचिंग बोल रहा है नहीं साथ में चलना है, साथ में चलेंगे तो वही 7 बजे निकलना पड़ेगा, 7 बजे निकली और 12:30 बजे घुसी, फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर वही खाना वाना, फिर झाड़ू पोछा, फिर शाम के टाइम कर लें नाश्ता पानी, ये सब शुरुआत हो जाती है, नहीं लगता टाइम, मैं भी थक जाती हूँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे। हॉस्टल में ये बात तो कहती थी, गर्मी तो लगती नहीं, पर वैसे थक जाते हैं बैठे बैठे, बैठने की चीज़ वो बात मज़ा नहीं आता जो घर में लेट जाते हैं।
अब करेंगे सोने की तैयारी। गुड नाइट गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड नाइट गाइस।